अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन का कुछ समय भी। तो स्टार्ट करते हैं। लैंडिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। शिपिंग प्रोडक्ट फॉर सप्लायर टू वेयर हाउस, शिपिंग प्रोडक्ट फ्राम सप्लायर टू एंड यूज़र, शिपिंग प्रोडक्ट फ्राम सेलर टू कस्टमर, शिपिंग प्रोडक्ट फ्राम वेयर हाउस टू कस्टमर, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, वो शिपिंग प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर से लेके आप वेयर हाउस से भेजते रहे, तो इस वो होता है लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टू में है, विच प्रोडक्ट इज बेस्ट सुटेबल फॉर सेलिंग ऑन अमेजोन। अमेजोन में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है सेलिंग के लिए, ठीक है। लो इन कॉम्पिटिशन एंड हाई इन प्रॉफिट, हाई इन कॉम्पिटिशन एंड लो इन प्रॉफिट, लो इन कॉम्पिटिशन एंड लो इन प्रॉफिट, हाई इन कॉम्पिटिशन एंड हाई इन प्रॉफिट, ठीक है। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा इसको सोचते हैं। देखें, लो इन कॉम्पिटिशन में तो सही है, हाई कॉम्पिटिशन में तो हम सेलिंग ही करते हैं, तो बी और डी तो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, अब बचते हैं उसे। तो कॉम्पिटिशन लो होना चाहिए और प्रॉफिट भी लो, ये भी सही है। और बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट तो सी मतलब यही रहेगा कि अमेजोन सबसे बड़ी मार्केट है, तो लो कॉम्पिटिशन और हाई प्रॉफिट हो, डेफिनेटली इसका आंसर भी ए होगा। थ्री पे है, इट इज़ कंपल्सरी टू हैव एन अकाउंट ऑन अलीबाबा टू स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेजोन। अमेजोन जब आप सेल बेस्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं, क्या ज़रूरी है कि आपके पास अलीबाबा का अकाउंट हो। ऑप्शन है नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। बी में है येस, और सी में है यू मस्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन अलीबाबा बिफोर क्रिएटिंग अकाउंट अमेजोन। यू मस्ट क्रिएट एन अकाउंट ऑन अलीबाबा आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट अमेजोन। देखें, इसमें लिखा है कंपल्सरी, ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप अलीबाबा से ऑर्डर करके सॉल्व वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर करें, आपके पास कोई जानने वाला वहाँ ऑलरेडी सामान मौजूद हो तो आप सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग ऑन अमेजोन यानी सेल करने के लिए ज़रूरी है, नहीं सेल करने ज़रूरी नहीं है, तो आप रखेंगे नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। इसका भी ऑप्शन यही होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजोन पर यानी इसका नहीं कहना मतलब ये है कि आपको अमेजोन को सेल करने के लिए अलीबाबा पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इसका भी आंसर ही ए होगा। इन एफ ओ बी सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी टू पोर्ट इन हिज ओन कंट्री स्टेट, पोर्ट इन बायर कंट्री, डोर स्टेप ऑफ बायर, रिसेप्शन एजेंट, वेयर हाउस। इन एफ पी ओ सप्लायर रिस्पॉन्सिबल डिलीवरी, इस पर खर्च कर लेते हैं एफ पी ओ। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड फीस अंटिल द गुड रीच द पोर्ट ऑफ ओरिजिन एंड वन इज द गुड एंड ऑन स्टेप द बायर इज फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। यानी कि पोर्ट तक पहुँच जाता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल होता है इसका, ठीक है। सप्लायर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी टू पोर्ट इन इज ओन कंट्री, एफ पी ओ एफ ओ पी सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी टू पोर्ट इन इज ओन स्टेट, ठीक है। इनका काम ये होता है, इसके बाद बायर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। पोर्ट इन इज ओन कंट्री स्टेट में भेजता है, पोर्ट इन बायर कंट्रीज, डोर स्टेप ऑफ बायर, इनमें से मुझे ए और सी लगा, ये डाउट है तो आप सब देख लें, ए में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब चलते कुछ भाव है, इन्वेंट्री प्लानिंग गाइड्स इट्स अबाउट रन स्टॉक, बी अवेलेबल स्टॉक, सी डिफेक्टेड स्टॉक, डी न्यू स्टॉक। इन्वेंट्री प्लानिंग यानी आपने कोई परचेज की, आप लेट्स सपोज आपने कोई आइटम लिया, उसके पास 20 स्टॉक है, तो आप प्लानिंग करते हैं कि अगर इतने सेल हो जाएंगे तो मेरे पास बैकअप पे इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो इस प्लानिंग को क्या आउटपुट देता है हमें, तो वो हमें देता है कि हमारे पास कितना करंट स्टॉक है, ये भी हो सकता है, अवेलेबल स्टॉक है ये भी हो सकता है, डिफेक्ट भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री प्लानिंग तो मेरे ख्याल से यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, तो करंट स्टॉक नहीं होगा, अवेलेबल स्टॉक भी नहीं होगा, तो आई थिंक न्यू स्टॉक की बात कर रहा है। इन्वेंट्री प्लानिंग गाइड्स इट्स अबाउट, तो न्यू स्टॉक अवेलेबल स्टॉक तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप देखना क्या, लेकिन इन्वेंट्री प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री प्लानिंग मतलब मौजूद है या नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा है। प्लानिंग गाइड्स अबाउट हमें क्या मशवरा देती है, तो हम कोई सोचते हैं, तो फिर न्यू स्टॉक की यानी इन्वेंट्री में हम सोचते हैं कि हमें ये आइटम ऑर्डर करना है, तो मेरे ख्याल से फिर न्यू स्टॉक की बात होती है ना, कि इन्वेंट्री में हम प्लानिंग करेंगे फिर ऑर्डर करेंगे तो न्यू स्टॉक में आएगा वो, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी है, मैं इसको ऑप्शन डी लगा रहा हूँ। व्हाट आर इन कॉन्ट्रम्स, अलीबाबा टर्म्स एंड कंडीशन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, ऑर्डर प्लेसिंग मैटर, तो इसको टच कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, इसको भी चेक कर लीजिएगा, मुझे सी लग रहा है। व्हाट इज ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है, ऑर्डर डिलीवरी सर्विस, ऑर्डर रिकवरी सर्विस, ऑर्डर प्रोडक्शन सर्विस, ऑर्डर मैनेजिंग सर्विसेज, ठीक है। इसमें ए और डी लग रहा है, देखिए ऑर्डर मैनेजिंग सर्विस भी होती है और प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन होते हैं, यानी कि ट्रेड सर्विस बेसिकली ये होता है कि आप एज अ बायर और सेलर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ट्रेड सर्विस यानी अली बाबा ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप उससे एग्रीमेंट कर लें, अगर इनके साथ आपका बायर सेलर आपको
फ्रॉड करता है तो ये आप लोगों को गारंटी देंगे आपका प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन के तौर पर यूज होते हैं, तो ऑप्शन डी होगा इसका। पेमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच सेक्शन टाइप ऑफ अमेजोन वेबसाइट रिपोर्ट इन्वेंट्री, अमेजोन ऑर्डर, ऑर्डर टाइप में होता है, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर सी। व्हाट इज अ प्रोफोमा इनवॉइस, प्रोफोमा इनवॉइस क्या होती है, एस्टिमेटेड इनवॉइस, डिस्काउंट इनवॉइस, फैक्ट्री इनवॉइस, इंटरेस्ट इनवॉइस, व्हाट इज अ प्रो, इसको चेक कर लीजिए, थोड़ा मैं डाउट हो रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव रिव्यू हेल्प्स एज इन एनालाइजिंग, अगर किसी प्रोडक्ट पे नेगेटिव रिव्यू होता है तो काफ़ी आसान है, तो इसमें कंपेटिटर रिव्यूज होगा, प्रोडक्ट रिव्यू होगा, स्टोर रिव्यू होगा या प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। नेगेटिव रिव्यू हेल्प एज इन एनालाइजिंग, अंदाज़ा हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं, स्टोर रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू, हाँ कि प्रोडक्ट का रिव्यू कैसे है, इससे हमें आसानी हो जाती है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।